दोस्तों स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जी के चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर कौन बनेगा करोड़पति से संबंधित जनरल नॉलेज का पार्ट 5 लेके आए हो। इस वीडियो में पूरे 25 क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या केबीसी 11 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बोलूँगा, बाद में उसका आंसर सोचने का आपको थोड़ा टाइम दो। यहाँ पे चार ऑप्शन भी दिए जाएंगे, अगर आपका क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। आखिर में अगर आप 25 में से 25 क्वेश्चन के आंसर सही देते हो तो आप कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ भी जीत सकते हो। ये आपके लिए एक चैलेंज है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आपको नंबर भी नहीं रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देश का प्रथम राज्यसभा सांसद कौन थे जो पहले प्रधानमंत्री बने थे? राज्यसभा सांसद से सर्वप्रथम प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने थे? यहाँ पे चार नाम दिए गए, इंदिरा गांधी, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, मनमोहन सिंह। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर इंदिरा गांधी बने थे। राज्यसभा सांसद से सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी, और आई के गुजराल भी बने थे, एच डी देवगौड़ा भी बने हैं, और मनमोहन सिंह, चार ही है जो राज्यसभा सांसद से प्रधानमंत्री बने हैं। और इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की सांसद थी। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस राज्य की राज्यसभा सांसद से एक भी प्रधानमंत्री नहीं बना है? यहाँ पर चार राज्य के नाम दिए हैं, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन का सही उत्तर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य से अभी तक एक भी राज्यसभा सांसद से प्रधानमंत्री कोई भी नहीं बना है। असम से भी बने हैं, बिहार से मनमोहन सिंह थे, माफी चाहता हूँ, एच जी बिहार से आई के गुजराल थे, और आंध्र प्रदेश से एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे, और असम से मनमोहन सिंह बने थे, और उत्तर प्रदेश से इंदिरा गांधी बने थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किस लोकसभा सीट से भारत के प्रधानमंत्री चुने गए थे? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर फूलपुर, उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से प्रधानमंत्री चुने गए थे जवाहरलाल नेहरू, और रायबरेली से इंदिरा गांधी, और इलाहाबाद से राजीव गांधी, और अमेठी इलाहाबाद से लाल बहादुर शास्त्री, और अमेठी से राजीव गांधी चुने गए थे लोकसभा सांसद लोकसभा के सीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, जनता दल के वरिष्ठ प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई किस लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री बने थे? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन का सही उत्तर सूरत से प्रधानमंत्री लोकसभा की सीट से प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एकमात्र समाजवादी जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे? समाजवादी जनता पार्टी जो कांग्रेस के साथ मर्ज थी तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे सबसे पहले, एकमात्र प्रधानमंत्री बने थे? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर चंद्रशेखर, समाजवादी जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे पार्टी से, और समाजवादी जनता पार्टी के संस्थापक भी थे चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 6, नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से देश के प्रधानमंत्री बने थे? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर वाराणसी, तो नरेंद्र मोदी वडोदरा और वाराणसी दो सीट से चुनाव लड़े थे, और बाद में उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़ दी थी, और वाराणसी से की लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। बहुत इंपॉर्टेंट ये। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है? ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में आ चुका है, ये की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कान, मानव शरीर में कान शरीर में संतुलन बनाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एम्लोडिपाइन किस बीमारी में दी जाने वाली दवा है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन का सही उत्तर है हाई बीपी, तो एम्लोडिपाइन टेबलेट है जो हाई बीपी में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? यहाँ पे चार वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है विलियम हार्वे में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए डीओक्लोरिक एसिड की खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की खोज किसने की थी? चार नाम दिए गए हैं, को पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर जेम्स वॉटसन ने डीएनए की खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है? चार ऑप्शन दिए गए, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, विम कोइवेरमैन, सावियो मेंडिरा, अर्मांडो कोलाको। इस क्वेश्चन का उत्तर है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान हेड कोच है, मुख्य कोच है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1948 के ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय फुटबॉल टीम का पहला कप्तान कौन था? तो किसने स्वतंत्र भारत की फुटबॉल टीम का पहला कप्तान कौन था? यहाँ पे चार नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन का सही उत्तर ताली मेरन इवो, ताली मेरन इवो 1948 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान बने थे, आजाद भारत के प्रथम फुटबॉल टीम के कप्तान थे। और ऐसे वो नागालैंड राज्य से थे और असम में दो फुटबॉल ग्राउंड के नाम भी उनके नाम पे रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से आजाद भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? आजाद भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन है? यहाँ पे चार नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन का सही उत्तर लाला अमरनाथ, लाला अमरनाथ आजाद भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे, और सीके नायडू भारतीय क्रिकेट के प्रथम कप्तान थे, सीके नायडू। और आजाद भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान लाला अमरनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से आजाद भारत के प्रथम, क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकेट के इतिहास में प्रथम दोहरा शतक जड़ने वाला प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन है? यहाँ पे चार नाम दिए गए, विनू माकड़, पोली उमरीगर, सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजरुद्दीन। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर पोली उमरीगर, पोली उमरीगर आजाद क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज है। उन्होंने हैदराबाद के क्रिकेट ग्राउंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 233 रन जड़े थे। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में नोकिया इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणबीर कपूर, विराट कोहली, आमिर खान, आलिया भट्ट। क्वेश्चन का सही उत्तर आलिया भट्ट, वर्तमान में नोकिया इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है? यहाँ पे चार नाम दिए गए, चित्रा मुग्धल, दिव्यांशी तिलक, सुरजीता कामले, विभा रस्तोगी। क्वेश्चन का सही उत्तर चित्रा मुग्धल, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 से चित्रा मुग्धल को चुना गया है, सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्कर 2019 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसने जीता है? यहाँ पे चार फिल्म मूवी के नाम दिए गए, पिक्चर के नाम ग्रीन बुक, स्पाइडरमैन, शेप ऑफ वाटर, थ्री बिलबोर्ड्स। क्वेश्चन का सही उत्तर ग्रीन बुक, तो ग्रीन बुक को 2000 ऑस्कर 2019 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड से जीता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑस्कर 2019 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, गैरी ओल्डमैन, रामी मलेक, विन डीजल, आमिर खान। को पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन का सही उत्तर रामी मलेक ने ऑस्कर 2019 में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस देश ने नाटो के 30वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की थी? तो 30वां सदस्य देश कौन सा बना है नाटो का? मैसिडोनिया, भारत, चीन, नामीबिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मैसिडोनिया, नाटो का 30वां सदस्य देश बना है 2019 में। क्वेश्चन नंबर 20, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और तीसरे किस बैंक का मर्ज हुआ है, चयन हुआ है हाल ही में? पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, चार में से किस बैंक का चयन हुआ है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और तीसरे किस बैंक का? क्वेश्चन का सही देना बैंक, तो देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों बैंक का चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, 800 किलोग्राम की विश्व की सबसे बड़ी भगवद गीता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चार नाम दिए गए, कोलकाता, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली। क्वेश्चन का सही उत्तर दिल्ली, दिल्ली में इस्कॉन मंदिर है, फेमस है। इस्कॉन मंदिर में 800 किलोग्राम की विश्व की सबसे बड़ी भगवद गीता का उद्घाटन किया गया है। तो इसका वजन खास 800 किलोग्राम याद रखना है। और इसमें कितने पेज है? तो 670 पेजेस है इसमें। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन दिए, सरजू बाला देवी, आनंदिता नियोगी अनाम, कुमारी सरोज, विद्या देवी सिंह। इसके क्वेश्चन आनंदिता नियोगी अनाम, आनंदिता नियोगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि 2019 से सम्मानित किया गया है। ये कथक की नृत्यांगना है, कथक या भी याद रखा किस नृत्य से संबंधित, कथक में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आनंदिता नियोगी अनाम को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि 2019 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, आईसीसी ने वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 तथा वुमन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 से किसे सम्मानित किया है? यहाँ पे चार खिलाड़ी के नाम दिए गए हैं, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, स्मृति मंदाना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को आईसीसी ने वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर तथा वुमन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2019 में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? चार नाम दिए गए, फर्नांडो हेदाद, मारियानो डी सिल्वा, जियर बोल्सोनारो और रॉबर्ट कुक। क्वेश्चन का सही उत्तर जियर बोल्सोनारो। जियर बोल्सोनारो ने जनवरी 2019 में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 25, 1 जनवरी 2019 से अमेरिका और किस देश ने यूनेस्को की आधिकारिक रूप से सदस्यता छोड़ दी है? अभी इजराइल, चीन, फ्रांस, जापान, चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही उत्तर इजराइल। 1 जनवरी 2019 से अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को की आधिकारिक रूप से सदस्यता छोड़ दी है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।